हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज अपना पूरा स्केड्यूल आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं जा रही हूँ सासू माँ के लिए पराठे बनाने, क्योंकि उनको चाय से पराठे चाहिए, तो पराठे बनाने जा रही हूँ, फिर आप लोग के साथ शेयर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि आज मैं अपना रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, हाउस वाइफ वर्सेस इन्फ्लुएंसर। तो देखिए ये कुछ होता है बिहाइंड द सीन गाइस। सबसे पहले मैं सासू माँ के लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि उनकी दवाओं का टाइम है और बिना कुछ खाए वो दवा नहीं खा सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कुरकुरे पराठे उनके लिए सेके, और इसके साथ वो लेती हैं चाय। तो ये देखिए पराठा बन के हो गया रेडी, और चाय अभी जब वो मुँह धुलेंगी तब देंगे। और यहाँ मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, मतलब खांसी हल्की आ रही, गला ख़राब है उसका, तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म करके नमक डाल के उसको गलाला कराऊंगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है। तब तक मैं करती हूँ अपना और बचा हुआ काम, जैसे कि ये बिस्तर समेटना। जी हाँ, अभी तक मैं रज़ाई ओढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ठंडा लगता है, और अपने बेटे को भी ज़बरदस्ती ओढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर अच्छे से अपना बेड कर दिया सेट। गाजी ने कर लिया घर आ रहा, अब जा रहे हैं गाजी के पास मांगने थे। तो हम जा रहे हैं गाजी के लिए मेडिसिन बनाने। कौन सा मेडिसिन बता सकते हैं? तो गाइस गाजी का गला और खांसी दोनों आ रही है, मतलब गला ख़राब है, खांसी भी आ रही है। तो मैं यहाँ पे उसको अदरक के जूस निकाल के इसको हनी में करके देती हूँ, और ये रॉ हनी है, मतलब कि इसमें कोई भी तरीके की मिलावट नहीं है, बहुत ही अच्छा हनी है। और इसमें मैं ये अदरक का जूस मिला के देती हूँ। कैसी भी खांसी हो, बच्चा ठीक होना ही मेरी गारंटी अगर आप ऐसे दे दो। मैं मुँह तक नहीं खुली हूँ, बस काम काम काम। और गाजी को मैंने रेडी कर दिया है, और अभी सलून क्या ले जाना है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आज वीडियो बनानी है हर हाल में, और घर की हालत बहुत बुरी हो रखी है, बहुत ही बुरी हो रखी है, मतलब मैं थक गई हूँ। आप पीछे देख सकते हो, सब अभी बनना बाकी है। ये देखिए अभी लाइन पड़ रही है, और बहुत परेशान हो गए हैं। कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा अमन? एक हफ्ता लगेगी, सभी कुछ काम होना इसमें। एक महीना मान के चले, एक हफ्ता हमें लगेगा, उसके बाद पेंट टेंट होने में पूरा एक महीना भी लगेगा। एक महीना नहीं, दो डेढ़ महीना। वो आ रही है, हमारी इंस्पेक्टर साहब आ रही हैं। तो ये देखिए मुझे सामान ले जाना है, मैंने ईद के लिए कपड़े मंगाए हैं, तो वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये रखते हैं, मैंने निकाला ये सूट पहनने के लिए, ये बहुत ही प्यारा रेड कलर का सूट है। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही है गाइस, मैं बता नहीं सकती, लिटरली इतनी ज़्यादा पील हो रही है, मेरी नोज़ और हर चीज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखी है। तो ड्राइनेस को हटाने के लिए मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ, ये है मामाअर्थ का सोप। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। गाइस बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, आप जब इसे यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी चीज़ यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरे पास दो पैक है, सबसे पहला है मामाअर्थ का ओप्टन मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप, और दूसरा है मामाअर्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बात करते हैं मामाअर्थ के विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप के बारे में। इसमें है विटामिन सी और हनी की गुडनेस। विटामिन सी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइट करता है, हनी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। ये नॉन ड्राइंग फार्मूला के साथ आता है, इसे यूज़ करने से बिल्कुल भी आपकी स्किन ड्राई नहीं फील होगी, और इसे यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा चमकदार बनेगी, और ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन करता है, और इंस्टेंट ही ये मॉइस्चराइज भी करता है आपकी स्किन को। बात करते हैं मामाअर्थ के ओप्टन मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप के बारे में। सोप में मौजूद है सैंडलवुड और
टर्मरिक की गुडनेस। इसे यूज़ करने से आपकी स्किन नेचुरल सा ग्लो देती है और ये स्किन को बहुत अच्छे से स्मूथ भी रखता है, और इसे यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट भी हो जाती है, और ये नॉन ड्राइंग फार्मूला के साथ आता है, बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, क्योंकि इसमें मौजूद है आप का मॉइस्चराइजिंग लोशन। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये सोप जो है आपके बॉडी से टैन को बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। टैन को रिमूव करने के बाद ये आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो देता है, आपकी स्किन बहुत अच्छे से ब्राइट होती है, शाइन करती है। और गाइस, ये दोनों सोप इतने अच्छे से डीप क्लीन करता है आपकी स्किन को, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप इसे एक बार यूज़ करिएगा, आप इसे फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं होता। जानते हैं आप, मामाअर्थ बहुत ही ज़्यादा नेचुरल चीज़ें यूज़ करता है। और अब मैं इनकी स्किन पे आपको स्किन डिटेक्टर पेन यूज़ करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट इतना लो है कि ये रेड हो गया। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब मैं इनका सोप यूज़ करूँगी मामा अर्थ का, तो ये कितने अच्छे से मॉइस्चर को मेंटेन करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये वाला सोप यूज़ किया है और इसे अच्छे से स्किन पे अप्लाई कर दिया है। और जैसे कि मैंने बताया, आप इसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। और इस तरीके से आप देखिए, मैंने इनको वॉश करा दिया, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लियर है इनकी स्किन में मॉइस्चर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये बस एक प्रूफ दिखाना चाहती थी मैं आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने ये पेन का यूज़ किया है। और आपको मैं बता दूं, इनके सारे प्रोडक्ट जो है ऑल स्किन टाइप के लिए हैं, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सेफ है, सर्टिफाइड है, इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। और आपको मैं बता दूं गाइस, ये अवेलेबल सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे नायका, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पर्पल जैसे ई कॉमर्स पर। और एक अच्छी बात ये है कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं आपके नियर के स्टोर पर भी। गाइस, मैं आपको बता दूं कि मामा अर्थ आपके हर ऑर्डर को लिंक करता है एक ट्री से। इनका टारगेट है 2025 तक 1 ट्री प्लांट करने का। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से परचेज कर सकते हो। इनकी ऑफिशियल साइट से अगर आप खरीदोगे तो मेरा कोड जरूर यूज करना, फैबुलस 2024 आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% तक ऑफ। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने, फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। उसके बाद जब आप देखिए, स्किन कितनी ज्यादा ग्लोई ग्लोई सी लग रही है। तो चलो जी, जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को ले चलते हैं सैलून में। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे नमाज अदा किया, उसके बाद मेरी कुक आ गई तो उनको बताने लगी। मेरी यहाँ नमाज हो गई कंप्लीट, और अभी आ गई मेरी कुक। तो आज गाइस बनेगी भिंडी और रोटी। और क्या बनाओगे सुबह जी? फुल्की बनाएंगे और वाली जो कल टिक्की वाली वो बनाएगी, वो बनाएंगे। और दाल चावल बनेगा, और 7 पराठा भेज देना, 6 पराठा पैक करके सब भेज देना। फल तो है, वो तरबूज काट देना, ठीक है? कस्टर्ड खाने का मन है लेकिन कल बना देना। चलो ठीक है, कल जल्दी आएंगे। क्यों? इसलिए कल चच्चा के रोज अफ्तार, रोजे कुसाई है तो जाएंगे। और हम क्या करेंगे? हम भी बना के जाएंगे, यहाँ से 4:30 बजे निकल जाएंगे बना के। चलो ठीक है। सलोन आ गई थी, अब मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ा सा सामान लेने के लिए। मेरी नाक की कील बदलने जा रहे हैं, एक की टूट गई थी तो उसी को बदलने जा रहे हैं। हम लेने आए थे नाक की कील, और लेके जा रहे हैं 2 फिंगर रिंग और 1 टॉप्स कान के। जब मैं सामान खरीद लेती हूँ तब मेरे दर्द होता है खरीदने के बाद कि नहीं खरीदने, लेकिन गोल्ड ऐसी चीज़ है कि उसमें वो नहीं होता है, रिग्रेट नहीं होता है, मतलब वो पैसा ही है अपना, देखा जाएगा। हम आप लोग को दिखाते हैं झुमके लेने गए थे हम नाक की कील, क्योंकि ये इसकी ना जो तली है नीचे वो बहुत लंबी, तो वो मेरे गड़ती है। तो हमने सोचा एक नाक की कील ले लें, फिर यार अंगूठी भी ले लिया, 2 अंगूठी ले लिया, फिर टॉप्स भी ले लिया, तो फटका मेरा लंबा पड़ गया। आप लोग को दिखाते हैं। अब आया गहना पैलेस से लखनऊ, 65 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट। अच्छा, तो यहाँ पे 3 हैं, आप लोग को दिखाते हैं। वो एक एक करके, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये हमने लिया स्टड्स। अब आप बताइए कि ये स्टड्स गोल्ड के भी हैं या फिर इसमें डायमंड भी लगा हुआ है,
कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन सही बताता है। या फिंगर रिंग, अब आप बताइए ये भी डायमंड और गोल्ड मिक्स है या फिर सिर्फ डायमंड है, सॉरी सिर्फ गोल्ड है, देखते हैं कौन बताता है। इसकी बॉक्स बड़ा प्यारा है यार, लाइट जलती है इसके अंदर। ये कैसा लगा आप लोगों को मेरा गोल्ड ये फिंगर रिंग? अब मैं पहनने जा रही हूँ। मैं दानिश को नहीं बताऊंगी कि मैंने लिया है, जब भी हम गोल्ड लेते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। तो एक इस फिंगर के लिए लिया है और एक किस फिंगर के लिए लिया है, इसमें तो आएगी नहीं, इसमें ये तो बहुत प्यारी लग रही है। मेरे पास है, रिंग्स है, लेकिन वो गोल्ड की बड़ी बड़ी वाली है, तो वो डेली वेयर के लिए नहीं अच्छी लगती। ये डेली वेयर के लिए बहुत प्यारी, बहुत प्यारी लग रही है यार। बस नेल मेरे बड़े होते हैं, बट नमाज की वजह से नेल नहीं बड़े रख सकते हैं, तो बहुत चमक रही है। ओके जी, आप बारी आती है स्टर्ट्स की। हमको चेन भी लेना था, मेरे पास है चेन लेकिन वो बहुत भारी है, इस वजह से हम पहनते नहीं है। ओह माय गॉड, बहुत प्यारा लग रहा है। ओके जी, तो ये देखिए मैंने फिंगर रिंग पहन ली है, और आपको बता दें कि रोज़ा खुलने का टाइम हो गया। ये देखिए यहाँ पे इफ्तार लग गई है, और मौला कुरान पाक पढ़ रही है, और सब लोग तीन ही लोग हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी इफ्तार खोलने के बाद मैं शूट करूँगी। कि गाइज, इफ्तार में आया है हमारे घर से बैगन की बैगनी पकौड़ी। आलू का भी भेजा होगा उसने, बोला था हम आलू का बनाएंगे। देखो अंदर है क्या? नहीं नहीं बनाया उसने। आज हमने बोला चटनी ज़्यादा भेजना, चटनी तुम बहुत कम भेजती हो। तो चटनी, भिंडी की सब्ज़ी और ये पराठे, तरबूज, खजूर, और हम सोच रहे हैं कुछ फल भी ले आए जाके। पक्का? सबके मुंह सूख गए बेचारों के। ओके गाइस, तो यहाँ पे रोज़ा खोलने का टाइम हो गया था, तो हम लोग सब लोग रोज़ा मिलके खोलते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम लोग रोज़ा मिलके खोलते हैं। तो यहाँ पे सबका जो है ये हो गया, रोज़ा खुल गया, और नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं शूट करने जा रही हूँ। गाइस, शूट हो गया है कंप्लीट, तो अब मैं लिपस्टिक हटा रही हूँ और मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया है सलून का। तो मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।